हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, सोशल साइंस के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स कर रहे थे, जिसमें कि हमने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर पूरा समझा दिया था और उसके बाद फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस करा दी थी। अब आज हम आपको सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, पेज नंबर 27 पर सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं। जिसके पास पुरानी बुक है वो बुक से लिख ले, और नहीं तो हम धीमे धीमे बोल रहे हैं, आप लिखते जाइए। सेकेंड लेसन का फिर से सुन लो। सेकेंड लेसन सल्तनत काल की शुरुआत का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपको आंसर में सेंटेंस पूरा लिखना है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे के स्थान पर आपको लिखना है? इल्तुतमिश। आप केवल इतना नोट कर लीजिए और फिर सेंटेंस पूरा बना लीजिएगा। इल्तुतमिश को माना जाता है। हाँ तो बच्चों, आइए सेकंड क्वेश्चन है खा। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? आपको आंसर पूरे सेंटेंस में देना है। पूरा सेंटेंस बनेगा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, और किस की जगह आपको लिखना है? इल्तुतमिश ने बनाया। फिर से हम आपको बोल देते हैं, 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 22 पर मिलेगा। जिसके पास बुक है देख ले, नहीं तो हम बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ बच्चों उसकी, आपको इसकी जगह लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उससे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, इसीलिए हम धीमे धीमे बोल रहे हैं कि आप लोग उसको नोट कर लीजिए। जब आपका छूट जाता है आप वीडियो को पॉज करके फिर से उसी लाइन को रिपीट करके सुन करके उसको नोट कर सकते हैं। और अब आप लोग की स्टेशनरी शॉप्स खुल गई हैं, इसलिए आप इस काम को अपना फेयर में कर दिया, जिससे कि कॉलेज खुलने पर आपका काम छूटने नहीं पाए। और जिस बच्चे को किसी पुराने बच्चे से बुक मिल सकती है, वो प्लीज़ कोशिश करके किसी पुराने बच्चों से बुक ले करके और उसको घर में अपना पढ़ने लगी है। अब अगला लेसन हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे।